कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन TDS एवं TCS पर वर्कशॉप का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CA विनय जैन। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और हमारे BL द्विवेदी जी जो हैं चेयरमैन पिछली सर्किल कमेटी के हैं, उपाध्यक्ष जी है प्रदीप कुमार जी द्विवेदी, आज के इमिनेंट स्पीकर विनय जैन जी हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं राजकुमार गुप्ता जी, और हमारे यहाँ जो बार के मेंबर काफ़ी उपस्थित हुए हैं। आज का विषय जो है TDS और TCS के ऊपर विनय जैन जी ने मुख्य वक्ता के रूप में दिया, और इन्होंने ये बताया कि TDS और TCS आप एकदम बिल्कुल टाइम पर काटें उसको, TDS और TCS को और टाइम पर जमा करें, नहीं तो इस पर पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन सभी कुछ है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे BL द्विवेदी जी ने बताया कि इस पर 200 रुपया और सेक्शन के अंतर्गत आपको पेनाल्टी भी लगेगा और उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और सारी जानकारी हमारे विनय जैन जी ने दिया है। तो हम चाहते हैं कि विनय जी जिससे भी एक थोड़ा आप संपर्क करें। गोष्ठी और कार्यशाला के रूप में जो कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन जो अपने देश का एक बहुत पुराना संस्थान है, आय पर कर की आय के स्रोत पर कर की कटौती एवं TCS के ऊपर ये वर्कशॉप एवं कार्यशाला आयोजित करी है, और उसमें आई एम प्रिविलेज टू एक्चुअली बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अ पेपर। और TDS और TCS जैसे आप सबको मालूम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रावधान है, और ये जो इसके सेक्शंस हैं हर वर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए भी बहुत अधिक हो जाती है कि जो ये डेटा है गवर्नमेंट इसी के माध्यम से एक SSC का आय और एवं उसके खर्चों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो अगर आपने कोई खर्चा किया है उसमें TDS कट गया है, TCS कट गया है, तो कृपया अपना आयकर विवरणी समय पर भरें, सही रूप से TDS की लोगों को और जागरूक करें, कस्टमर्स और क्लाइंट्स को और अवेयर करें, जिससे कि वो पेनल्टी और ब्याज से बच पाएँ। BL द्विवेदी एडवोकेट, एक्स प्रेसिडेंट कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। जैसा कि हमारे लर्नेड स्पीकर ने बताया कि TDS वास्तव में एक जटिल समस्या बना हुआ है, जरा सी चूक हो जाए अगर मेरा रिटर्न टाइम से नहीं दाखिल होता है तो 200 रुपये पर डे का विलम्ब शुल्क मुझे देना होता है। अगर मैं टाइम से गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो मुझे 2 महीने का ब्याज देना होता है, और वो भी 18% के हिसाब से देना होता है। इतना ही नहीं, कुछ पेनल्टीज और हैं। 271H की पेनल्टी है जो कि कम से कम 10,000 रुपये, अधिक से अधिक 1,00,000 रुपये तक की भरनी हो सकती है, और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है अंडर सेक्शन 276B, जिसमें कम से कम 3 महीने की सज़ा और 7 साल की सज़ा अधिकतम है अगर हम TDS काट के टाइमली जमा करते हैं। तो कहने का सिर्फ मतलब यही है कि TDS में बहुत सावधानी की ज़रूरत है, समय पे TDS काट कर समय पे जमा करें ताकि हमको किसी भी तरीके की आर्थिक क्षति हमारे क्लाइंट को न हो। धन्यवाद। नहीं मिलता है, पूरे जितना भी टैक्स होता है भारत सरकार को जो मिलता है, कलेक्शन जो होता है वो 25% TDS से होता है। तो TDS जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस पर बहुत विशेष ध्यान देकर के डिपार्टमेंट TDS वसूलता है, और जहाँ भी कोई परेशानी अगर होती है तो उस पर प्रोसिक्यूशन भी है। 200 रुपये पर डे आप पेनल्टी भरिए, उस पर 18% टैक्स दीजिए। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है अपने SSC से और अपने टैक्स पेयर से कि वो TDS पर ध्यान दे करके मतलब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने लीगल अकाउंट में जमा कर दे, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। टेंशन से मुक्त रहिए आप और सही टैक्स दीजिए और सही समय पर दीजिए। यही मेरी जो है अपने सारे जो इस कार्यशाला में मैं यही बता रहा हूँ अपने मेंबरों को कि आप अपने क्लाइंट को सही सही बात बताइए, सही टैक्स जमा कराइए, सही समय पर टैक्स जमा कराइए, और सही बात को बताइए, छिपाइए कुछ नहीं गवर्नमेंट से। ये प्राविधान गवर्नमेंट ने जो है अब ऑनलाइन हो गया है, इसलिए सारी जानकारी उसको है, वो नहीं बोलते हैं, नहीं बताते हैं, कुछ अलग बात है, लेकिन अब आप पकड़े जाएंगे तो आपको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन देना पड़ेगा। इसलिए आप टैक्स में मैनिपुलेशन ना करके आप पूरा टैक्स जमा करिए, ईमानदारी से टैक्स दीजिए, और देश का जो मार्ग है, जो प्रकार बिंदु है हमारा देश का जो प्रगति है, वो आपके दिए हुए टैक्स सही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा टैक्स दे दीजिए, आप
टैक्स भी दीजिए, अपना समाज भी देखिए, अपना परिवार भी देखिए और देश को भी देखिए और अपना स्वास्थ्य भी देखिए। जब आप पूरा टैक्स दे देंगे तो आप अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे और कोई टेंशन मुक्त महसूस करेंगे सर।